alaikum dear students, kaise hain aap My name is Ryan Malik and I am here to teach you Physics class 9th. Today, we are going to start our new topic which is Vernier Caliper. So, let's start our lecture. As we know that the least count of the meter rule is 1 mm. So, that means that we can measure the length of 1 mm through meter rule. So, अब अगर कोई चीज जिसकी वन मिलीमीटर से भी छोटी हो तो क्या वो आप मैयर नहीं कर सकते सो ऑफ कोर्स वी कैन मैयर बाय यूजिंग वर्नियर कैलिपर। सो व्हाट इज वर्नियर कैलिपर? वर्नियर कैलिपर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू द एक्यूरेसी मोर देन वन मिलीमीटर सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन को एज यू कैन सी दिस इज वर्नियर कैलेपर और इसके साथ वर्नियर स्केल भी मैं फर्दर टेन डिविजन होती है और हर डिविजन के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो जीरो पॉइंट नाइन मिलीमीटर का है So, अब अगर हम बात करें इसके लीज काउंट की लीज काउंट ऑफ वर्नियर कैलेपर सो वन मेन के दरमियान का जो डिस्टेंस होगा विच इज जीरो पॉइंट वन मिलीमीटर सो वी कैन डिफाइन इट एज द डिस्टेंस बिटवीन दिवीजन एंड वन वर्नियर स्केल डिविजन इज कॉल्ड The least count of the vernier caliper and which is 0.1 millimeter. Now, this least count, you mathematically mathematically find kar by using the formula, which is least count is equal to smallest reading on main scale divided by number of divisions on vernier scale. So, main scale per smallest reading is one millimeter divided by number of divisions on vernier scale per ten.

तो इसमें आपके पॉइंट्स के भी जो एरर्स हैं वो बहुत लार्ज इफेक्ट क्रिएट करते हैं दैट मींस के हमारे इंस्ट्रूमेंट में एज सच कोई एरर नहीं होना चाहिए और ये बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग मेजर कर सके तो अगर आपके इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर मौजूद हो तो उसे हम कहते हैं जीरो एरर अब आप सोच रहे होंगे कि ये किस तरह का एरर है जैसा कि अगर मैं अपने वर्नियर कैलेपर के दोनों जॉस को इस तरह से क्लोज कर दूं क्लोज करने पर वन स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के साथ कंसाइड कर रहा हो अगर तो तब मैं कहूंगा कि मेरा इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल ठीक है इसमें किसी किस्म का कोई एरर नहीं है लेकिन अगर ये दो लाइंस आपस में कंसाइड नहीं करती तो तब मैं कहूंगा कि इस इंस्ट्रूमेंट में एरर है सो देर आर टू टाइप्स ऑफ जीरो एरर द फर्स्ट वन इज द पॉजिटिव जीरो एरर एंड सेकेंड वन इज द नेगेटिव जीरो एरर

पॉजिटिव है और अगर वरीय स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के लेफ्ट साइड पर होगा तो तब हम कहेंगे कि जीरो एरर नेगेटिव है अब लेट्स सपोज के हमने एक इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर फाइंड आउट कर लिया तो एट द एंड जब आप इस इंस्ट्रूमेंट से कोई भी मेजरमेंट ले लेते हैं तो आपको मेजरमेंट लेने के बाद उस एरर को रिमूव भी करना होता है एंड दैट इज कॉल्ड जीरो करेक्शन। सो अब इस सबको अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि वर्नियर कैलिपर को यूज करके आप किस तरह से कोई भी मेजरमेंट ले सकते हैं सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द विजुअल रूम नाउ द वर्किंग ऑफ वर्नियर कैलेपर एज वी फाइंड द डायमीटर ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर

में प्लेस कर दूंगा और इस तरह से मैं उसका इन डायमीटर भी मैयर कर सकता हूं अब जैसे कि हमने एक सॉलिड सिलेंडर का डायमीटर मैर करना है तो उसको हम प्लेस कर देंगे इन जॉस के दरमियान में तो इस तरह से आपका जो वर्नियर स्केल है वो भी थोड़ा आगे को मूव कर जाएगा अब वर्नियर स्केल के अंदर जहां पर आपको रीडिंग्स शो हो रही हैं मेन स्केल की तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप वो मेन स्केल की रीडिंग नोट डाउन कर लेंगे और उसके बाद आपने फिर यह नोट करना है कि वर्नियस स्केल की कौन सी लाइन मेन स्केल की किसी भी लाइन के साथ कंसाइड कर रही है तो जो भी लाइन कंसाइड कर रही होगी हम वो लाइन नोट कर लेंगे और उस डिवीजन को फिर मल्टीप्लाई करवाएंगे इसके लीस्ट काउंट के साथ और जब उस डिवीजन को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे लीस्ट काउंट के साथ तो आपके पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी और उस न्यूमेरिकल वैल्यू को फर्दर हम ऐड कर देंगे

उस इंस्ट्रूमेंट में कोई जीरो एरर तो मौजूद नहीं है और जीरो एरर को फाइंड करने के लिए हम वर्नियर कैले के जॉस को टाइटली क्लोज कर देते हैं जब आप उसको टाइटली क्लोज करेंगे तो उसके बाद आपने ये ऑब्जर्व करना है कि क्या वर्ण स्केल की जीरो मेन स्केल की जीरो के साथ कंसाइड कर रही है अगर तो वो लाइन कंसाइड कर रही है तो फिर हम कहेंगे कि उस इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर नहीं है लेकिन अगर वो लाइन कंसाइड नहीं कर रही जैसा कि इस केस में हमारी लाइन कंसाइड नहीं कर रही तो हम कहेंगे कि हमारे इंस्ट्रूमेंट में एरर तो है लेकिन वो एरर कौन सा है पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा कि वर्नियर स्केल का जीरो यहां पर राइट साइड पर लाई कर रहा है मेन स्केल के जीरो के तो हम कहेंगे कि हमारा पॉजिटिव जीरो एरर है अब पॉजिटिव जीरो एरर में सबसे पहले आपने ये देखना है कि मेन स्केल की कौन सी रीडिंग आपको शो हो रही है

तो वर्नियर स्केल का जो लीज़ काउंट है दैट इज 0.01 सेंटीमीटर 7 0.01 सेंटीमीटर दैट इज इक्वल टू 0.07 सेंटीमीटर अब इस रीडिंग को हम एड अप कर लेंगे मेन स्केल की रीडिंग के साथ तो जैसे ही आप एड अप करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.07 सेंटीमीटर अब ये जो 0.07 सेंटीमीटर है ये है पॉजिटिव जीरो एरर लेकिन जब हम जीरो करेक्शन कर रहे होंगे तब आपने इसका साइन चेंज कर देना है अगर आपका जीरो एरर पॉजिटिव है तो आप नेगेटिव साइन मेंशन कर देंगे। अगर आपका जीरो एरर नेगेटिव है तो आप पॉजिटिव साइन मेंशन कर देंगे तो जीरो करेक्शन में यह हो जाएगा माइनस जीरो पॉइंट जीरो सेवन सेंटीमीटर अब हम उस सॉलिड सिलेंडर का डायमीटर मुयर करते हैं तो आपने उस होल सिलेंडर को प्लेस करना है इन आउटर जॉस के दरमियान में तो यहां पर हमने जब प्लेस कर लिया तो आपका वर्नियर स्केल आगे को मूव कर गया तो आपने अब यहां पर मेन स्केल की रीडिंग नोट कर लेनी है कि मेन स्केल की कौन सी रीडिंग आपको शो हो रही है दैट इज 2.2 सेंटीमीटर दिस इज द मेन स्केल रीडिंग नाउ अगेन यू हैव टू नोट डाउन कि कौन सी लाइन मेन स्केल की लाइन के साथ कंसाइड कर रही है कौन सी वर्नियर स्केल की लाइन मेन स्केल की लाइन के साथ कंसाइड कर रही है तो इस केस में सिक्स लाइन जो है वो कंसाइड कर रही है दैट मींस द सिक्स्थ डिवीजन अब इस सिक्स को मल्टीप्लाई करवा देंगे लीज़ काउंट के साथ विच इज 0.01 सेंटीमीटर एंड द आंसर इज 0.06 सेंटीमीटर तो अब 0.06 सेंटीमीटर ये है आपकी वर्नियर स्केल रीडिंग अगेन हम मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग को हम एडअप कर लेंगे जब आप एडअप करेंगे तो आपके पास एक आंसर आ जाएगा 2.26 सेंटीमीटर लेकिन ये आपकी एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं है बिकॉज आपके इंस्ट्रूमेंट में एरर था और वो एरर क्या था 0.07 सेंटीमीटर का और जो कि हमने जीरो करेक्शन के लिए हमने इसको नेगेटिव लिया माइनस सेंटीमीटर

ये डायमीटर्स फाइंड आउट कर सकते हैं सो नाउ यू नो वेरी वेल कि हमने पढ़ा कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है वो है जीरो पॉइंट वन मिलीमीटर जब लेकिन जब हम बात करते हैं डिजिटल वर्नियर कैलिपर की तो उसका लीस्ट काउंट बहुत प्रिसाइज है विच इजीरो पॉइंट जीरो वन मिलीमीटर

Now, let's have a small quiz. That what is the least count of vernier caliper? So the least count of vernier caliper is 0.1 millimeter and which is equal to 0.01 centimeter. Now, another question: that how many divisions are there on vernier scale? So there are 10 divisions on vernier scale. So vernier scale per total. 10 डिवीजंस होती हैं और हर डिवीजन के درمیان में कितना डिस्टेंस होता है सो आई होप लेक्चर सुनने के बाद इस क्वेश्चन का आंसर आप इजीली कर सकते हैं नाउ अदर क्वेश्चन दैट व्हाई वी यूज जीरो करेक्शन सो वी यूज जीरो करेक्शन टू मेन्टेन द एक्यूरेट रीडिंग और टू रिमूव द जीरो एरर ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट सो नाउ लेट्स हैव एन ओवरव्यू ऑफ द लेक्चर बहुत सारा ख्याल रखियेगा टेक केयर अल्लाह